आपका क्वेश्चन है, चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। व्हेन हर फ्रेंड आस्क हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैज बॉट, शी आंसर द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज फोर लेस देन फोर टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। Purchased. Help her friend to find how many pants and skirts Champa bought. तो इसके अंदर देखो आपको क्या करना है, चंपा सेल के लिए गई है ना, सेल लगा हुआ है वहां पर गई है, तो उसने क्या क्या चीज खरीदना है उसको, पैंट एंड स्कर्ट, सेम चीज हम यहां पर लिखेंगे, पैंट एंड स्कर्ट्स। ठीक है, आप देखो अब चंपा ने कितना खरीदा, दैट मीन्स लेट द चंपा, लेट चंपा परचेज पैंट, तो वी आर नॉट नोइंग पैंट कितना लिया है और शर्ट कितना लिया है ना, स्कर्ट कितना लिया और पैंट कितना लिया है, तो फर्स्ट इज परचेज, तो यहां पर लिखना है आपको लेट शी परचेस्ड, नंबर ऑफ पैंट्स, ठीक है, पैंट कितना लिया है, सपोज उसने लिया एक्स और स्कर्ट उसने लिया है वाई। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, द नंबर ऑफ स्कर्ट is two less than twice the number of pants he purchased. That means y is equal to क्या हो गया, twice the pant और कितना less है, two less minus two, तो आपका equation क्या हो गया, 2x minus y is equal to 2। टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू, तो ये आपका एक इक्वेशन हो गया। सेकेंड में उसने फिर से बोला है ऑल्सो, देखो क्या बोला है ऑल्सो में, द नंबर ऑफ स्कर्ट दैट मीन्स वाई इज फोर लेस देन फोर टाइम्स, दैट मीन्स फोर टाइम्स द पैंट माइनस फोर That is equal to y. तो सेकेंड इक्वेशन आपका ये हो गया, सेम चीज लिखते हैं, तो 4x यहां पर है, ये इधर आएगा तो माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका किसका है, ग्राफ्स का, तो इसका हम सिर्फ ग्राफ्स ही बनाएंगे और कुछ नहीं, ग्राफ से ही फाइंड आउट करेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट वाले का कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं, एक्स एंड वाई, तो फर्स्ट आपको लेना है एक्स इज जीरो, तो आपका टू एक्स इज जीरो, ये जीरो हो गया तो क्या बचा, माइनस वाई इज इक्वल टू टू, तो वाई इज इक्वल टू माइनस टू। सेकेंड आपको लेना है y इज जीरो, तो y अगर जीरो है तो आपका हो गया 2x इज इक्वल टू टू, तो x इज इक्वल टू टू बाई टू दैट इज इक्वल टू वन। सेकेंड इक्वेशन, इसके भी कोऑर्डिनेट्स निकाल, x एंड y, तो फर्स्ट आपको लेना है x इज जीरो, तो दैट मीन्स 4x इज जीरो, तो क्या बचा, माइनस y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू माइनस 4। नेक्स्ट अब लेना है y इज जीरो, तो y जीरो ले लिया तो हमारा क्या बचा, 4x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1, तो ये दो आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसको अगर आप ड्रॉ करेंगे
तो कैसे आएगा? जीरो वन टू थ्री, क्योंकि x के अंदर आपका ऑलरेडी वन है तो हमने थ्री तक ले लिया, दैट इज योर x। माइनस में कुछ भी नहीं है तो वी विल टेक ओनली माइनस वन, दैट इज योर x डैश। y के अंदर देखो माइनस फोर है, पॉजिटिव में नहीं है तो पॉजिटिव में हमने ले लिया वन, दिस इज योर y। और नेगेटिव में आपका है माइनस फोर तक, तो ये हो गया माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर और ये हो गया y डैश। अब इसके ग्राफ बनाते हैं, तो x इज जीरो y इज माइनस टू, तो वो आपका पॉइंट इज हियर। सेकेंड x इज वन y इज जीरो, x इज वन y इज जीरो, यू पॉइंट इज हियर। दोनों में आपको जॉइन करके लाइन बनानी है, ये वाली लाइन में आपको लिखना है फर्स्ट इक्वेशन, क्या है हमारा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू टू। अब सेकंड वाला बनाते हैं, तो सेकंड वाला है आपका x इज जीरो y इज माइनस फोर, तो दैट इज हियर। सेकेंड इज एक्स इज वन वाई इज जीरो, दैट मीन्स पॉइंट इज हियर, सेम पॉइंट, दोनों को ज्वाइन करना है और एक लाइन बनानी है। ये रेड वाली लाइन में आपको लिखना है सेकेंड इक्वेशन, तो दिस इज योर फोर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर। तो देखो कहां पर ज्वाइन कर रहा है, जो जॉइन कर रहा है दैट इज योर सॉल्यूशन। तो क्या है आपका x इज वन y इज जीरो, तो वी कैन से x इज वन y इज जीरो। इसका मतलब क्या है कि tan उसने कितना लिया है वन, तो शी परचेस्ड वन tan एंड स्कर्ट जीरो। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको निकालना है।